हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न विशे आली तो आज हम टिग्नोमेट्रिके जो लास्ट हमारे टू टॉपिक्स हैं दैट इज टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिक टू तो लर्न टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ठीक है ये दोनों टॉपिक हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे फिर सीधा हम क्वेश्चन आंसर्स ही करेंगे ठीक है एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करेंगे ओके okay? और ओसवाल बुक ओसवाल बुक जो हमारी है 23, 24 की 2023 और 24 सेशन की तो उसके भी हम एम वगैरह सारी चीज़ें ही हम पढ़ेंगे ठीक है मेरे पास वो बुक आ चुकी है तो हम वो करेंगे मैं लाइट चैप्टर के ऑलरेडी एक टॉपिक के एम डाल चुकी हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी और आप लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं ठीक है और मैंने अभी अपलोड करी है एक दो दिन ही हुए हैं तो आप जाके एक बार ज़रूर पढ़िएगा वो वीडियो चलिए टिक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं दैट इज 90 डिग्री के होते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज टिक्नोमेट्रिक रेशियोज तो साइन 90 माइनस नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ठीक है अब मैं यहाँ पे सबसे पहले रेशियोज लिख देती हूँ दैट इज साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट ठीक है तो इसमें क्या बोला गया है साइन नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा है तो वो किसके इक्वल है कॉस थीटा के इक्वल है ठीक है वैसे ही अगर मैं बोलूं दैट कॉसैक जो है वो किसके इक्वल होगा सेक 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा बिकॉज हम ऐसे ऐसे चलेंगे कि ये जो है वो इसके इक्वल होगा ठीक है टेन जो होगा वो कॉट के इक्वल होगा और ऐसे ही सेक जो है वो कॉसैक के इक्वल होगा ठीक है तो अब देखो हमने क्या लिखा है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ठीक है तो इसमें भी सेम तरीके से ही होगा तो कॉस नाइन्टी माइनस थीटा भी किसके इक्वल होगा साइन थीटा के इक्वल होगा ठीक है सबसे पहले हम मेन में, में लिख लेते इसका और इसका हमने लिख लिया अब आप टेन पे आ जाते हैं ठीक है तो ये आपका हो जाता है टेन नाइनटी डिग्री माइनस थीटा इज इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा दैट इज कॉट थीटा के आगे देखते हैं सैक जो होगा वो किसके इक्वल होगा कॉस के okay. तो ये हो जाता है सैक नाइन्टी माइनस थीटा इज इज इक्वल्स टू थीटा ठीक है आप इस तरीके से चल सकते हैं अब हम दोबारा से उल्टा चलना स्टार्ट कर देते हैं दैट इज इज थीटा थीटा इक्वल्स टू ठीक है है अब इसका हमें रिवर्स लिख देना है। तो ये आपके जो है आप ऐसे लर्न कर सकते हैं ठीक है वरना एक और तरीका है आप खाली ये लर्न कर लीजिए ये तीनों ठीक है फिर आप क्या करिए इसके आगे क्या लगा दीजिए को लगा दीजिए क्या लगा दीजिए सीओ को लगा दीजिए दैट जैसे कि मैं साइन साइन और सैक और आपका हो जाता है टेन ठीक है इन तीनों के पीछे क्या लगा लगाती को लगा देती हूँ तो क्या हो जाता है आपका को हो जाता है दैट इज कॉट को हो जाता है आपका दिस वन और साइन आपका हो जाता है कोसाइन ठीक है ऐसे आप करके लर्न कर सकते हैं को का भी आप लर्न कर सकते हैं अब मैं उसके इसका रिवर्स कर देती हूं तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं तो कॉस थीटा सॉरी थीटा नहीं दैट इज नाइनटी माइनस थीटा इज इज इक्वल्स टू साइन थीटा टेन में भी टेन कॉट में भी होगा तो ये हो जाएगा कॉट नाइनटी माइनस थीटा इज इज इक्वल्स टू टेन थीटा नेक्स्ट देखते हैं दैट इज कॉसेक नाइंटी माइनस थीटा इज इज इक्वल्स टू सेक थीटा ठीक है जी इतना क्लियर हो गया है तो आप ऐसे करके लर्न कर सकते हैं पहले साइन कॉस विन कॉट सेक कॉसैक् तो फिर आपको आपको इसको उल्टा कर देना है तो ये ट्रिक थी आप इग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे लर्न कर सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ट्रिक टू लर्न आइडेंटिटीज़। अब इसमें कौन कौन सी होती है तीन होती है किसके इक्वल है नेक्स्ट है. है आपका टेन का स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू से स्क्वायर ए नेक्स्ट स्कोट स्क्वायर ए प्लास वन इज इक्वल टू कॉ सेक स्क्वायर ठीक है ये आपकी तीनों डिमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है या तो आप सिंपली इसको ऐसे लर्न कर लीजिए ठीक है या आप इसको कैसे लर्न करिए देखिए आपको सिर्फ एक चीज पता होना चाहिए दैट इज थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है ये चीज भी आपको लर्न करनी है क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी ठीक है अब कैसे लर्न कर सकते हैं हम आप ले लीजिए एक हेक्सागन जिसकी साइड्स कितनी होती है सिक्स साइड्स होती हैं तो चलिए मैं पे हेक्सागन बना देती हूँ सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बना लिया हैक्सक जिसकी सिक्स साइड्स होती है ठीक है यहां मैं ऐसे बना देती हूँ क्रॉस ठीक है अब यहां से साइन कर यहाँ ये वाली साइड हो जाती है आपकी साइन थीटा यह आपकी है कॉस थीटा ये है आपकी टेन थीटा और इसको बोल देती हूँ कॉर्थ थीटा ये आपकी हो जाती है सेक और ये हो जाती है आपकी कॉसैक ठीक है इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं अब बीच में लिख दीजिए आप वन अब वन में क्यू लिख रही हूँ यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसकी वाली साइड्स को ना फिल कर देंगे दैट इज दिस 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 वन 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 ठीक है एंड अब हमें किस किस तरीके से चलना है Clockwise चलना है ठीक है क्लॉक चलेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाता है ये वाला बॉक्स ये वाला बॉक्स आ जाएगा मैं पेन चेंज कर लेती हूं तो आपका सबसे पहले हम साइन कॉस और वन की बात करेंगे ठीक है तो ये इस तरीके से चलेंगे ठीक है इस तरीके से इस तरीके से हम चल रहे हैं ठीक है तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इज इक्वल्स टू One. आप स्क्वायर लगा दीजिएटा स्क्त थीटावल टू वन ठीक है अब फिर से ऐसे चलेंगे अब इसकी तरफ चलेंगे अब फिर से ऐसे क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो अब कैसे हो गया हमारा इज इक्वल टू कोसेक थीटा ठीक है तो क्या हो गया वन और प्लस कॉट हो गया इज इक्वल टू कॉसेक हो गया ये इस तरीके से आ रहा है अब ठीक है आगे देखते हैं अब इस वाले बॉक्स पे आ जाते हैं ये भी कैसे चलेगा ये ऐसे चलेगा ठीक है तो टेन प्लस वन इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थ्रीटा ठीक है तो उस तरीके से आप ये तीनों लर्न कर सकते हैं या सिंपली आप क्या करो एक ट्रिक और बताती हूं जैसे आपको ये चीज तो पता ही है कि साइन कॉस टेन साइन को उल्टा कॉसैक कॉस सेक कॉट तो साइन और कॉस प्लस वन टेन को कर दो सेक के साथ इस तरीके से ठीक है और कॉट किसके साथ हो गया कॉस एक् के साथ हो गया आप ऐसे करके भी लर्न कर लो सिंपली बस आप ये चीज लर्न करो और इसे ऐसे करके लर्न कर लीजिए ठीक है इतना क्लियर हो गया है आई होप आपको दोनों ही चीजें अच्छे से लर्न हो गई होगी ये वाली तो बहुत ही अच्छे से लर्न हो गई होगी हमने इस तरह से इस डायरेक्शन में ऐसे राइट राइट चलाने है। ठीक है आई होप आपको दोनों चीज क्लियर हो गई होगी अब हम क्वेश्चन आंसर वगैरह भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और जितने भी एक्सरसाइज बच्चे सब करेंगे क्वेश्चन करके तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बाय बाय